नेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। सड़क सुरक्षा पर सवार। जी हाँ, पूरा देश सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाएगी। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने जैसे उपायों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वर्ष 1989 में शुरू सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन 1989 के मुकाबले देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 700% की वृद्धि हो चुकी है और ये सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का कारण निश्चित रूप से वाहनों की बढ़ती संख्या है। 1989 में जितने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे थे, उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा वाहन अब सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देश में 1989 में सड़कों की जितनी लंबाई थी, उससे कई गुना ज्यादा सड़कों की लंबाई अब बढ़ चुकी है। पिछले 3 दशकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत विकसित देशों के करीब पहुंच चुका है, लेकिन रोड सेफ्टी भारत में एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या हाल है रोड सेफ्टी के? सड़क सुरक्षा सप्ताह में हम और क्या सीख सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। एमपी में सड़क सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता है, क्योंकि वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना के मामले 8% बढ़ चुके हैं। साल 2021 में कुल 48,877 सड़क हादसे हुए, इनमें 12,057 मौत और 48,956 लोग घायल हुए। ग्रामीण क्षेत्र में 58% यानी 28,175 और शहरी क्षेत्र में 42% यानी 20,702 सड़क हादसे हुए हैं। वर्ष 2022 में 52,000 से अधिक सड़क हादसे अकेले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए PTRI यानी पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। रोड एक्सीडेंट की ये नोडल एजेंसी भी है। PTRI की ताजा रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। सड़कों का सांकेतिक बोर्ड न होने के साथ लापरवाही से हादसे बढ़ने की बात भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कबूली है। ग्रामीण क्षेत्र से लगी सड़क पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इनमें मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। एक तरफ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। की तुलना में साल 2022 में 2,75,322 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसका मतलब 2022 में 21% ज्यादा चालानी कार्रवाई की गई है। का एक कारण यह भी है, इसलिए सुरक्षित रहें। नागरिक सड़क नियमों का पालन करें और सरकारें खराब हो चुकी सड़कों को जल्द से जल्द बना डालें, तभी सुरक्षित रहेंगी सड़क और सड़क पर चलने वाले यात्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो देश भर में आज 34 सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि लोग आखिर 7 दिन सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के बाद कितनी सावधानी बरतते हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं और तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर लोग इससे कितनी सतर्कता बरतते हैं, इसके साथ ही साथ सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करती है, ये भी सवाल उठता है। चलिए इस वक्त चलिए आपको बता दें कि क्या हाल है रोड सेफ्टी का, क्योंकि लगातार हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि साल भर सड़क सप्ताह का जो जागरूक किया जाता है हफ्ते भर, उसका लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं साल भर। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से कई तरह की रीजंस होते हैं सड़क हादसों के, चाहे हम ये कहें कि 18 साल के कम बच्चे जो गाड़ी चलाने लग जाते हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं सड़क हादसों में बढ़ोतरी होती है। ये भी सवाल उठता है कि क्या स्कूलों में भी बच्चों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में जानकारी देनी चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल से ही इसे सीख पाए। और बात करें अगर रीजंस की, हम देखते हैं बरसात के मौसम में भी जब कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, या कहें कि नदी नाले पुल भर जाते हैं पानी से, ब्रिजेस भर जाती हैं, उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल के सड़कें पार करना शुरू कर देते हैं। कई जगह गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भर जाता है, समझ में नहीं आता है, वो भी कई बार हादसे के कारण होते हैं। कई बार हम खुद भी लापरवाही बरतते हैं, चाहे हम गाड़ी में म्यूजिक सुन रहे हों या फ़ोन पर बात कर रहे हों। फ़ोन एक सबसे बड़ी आज की दौर में एक बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छोड़ नहीं पाते, अडिक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल लोग कार में बैठे हों, बाइक पर हों, तो भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बड़ा रीज़न है एक्सीडेंट होने का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, फिर भी लोग करते हैं और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार हो जाते हैं, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड में भी लगातार हम सुन रहे हैं किस तरह से कोहरे की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ सड़कों में जो गड्ढे हो गए हैं वो भी एक बड़ा कारण है सड़क हादसे होने का, क्योंकि संभल के तो लोग चलते लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नज़र चूकने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते। चलिए अब रुक करते हैं संवाददाता विवेक पांडे का इंदौर से। विवेक, आखिर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? देखिए, दो तीन बड़ी बातें हैं। एक तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे अभियान बेअसर रहेंगे। कुछ दिनों पहले ही MPPTRI ने ये एक रिपोर्ट साझा की थी, उसमें ये कहा था कि सबसे अधिक मौत सड़क हादसे में हेलमेट ना पहनने वालों के चलते होती है, और यही वजह है कि सरकारी के साथ साथ निजी सेक्टर में भी लोगों को हेलमेट पहनने के नियम को पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। और ना सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी बल्कि जो ड्राइवर है वो भी, जो बाइक सवार चालक है वो भी हेलमेट पहनेगा, और उसके साथ अगर कोई पीछे बैठा है तो उसे भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद और PTRI के सुझाव के बाद मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। पुलिस की जो चेकिंग है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जा रही है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि ठंड के समय और बरसात के समय, ये दो ऐसे मौसम है जहाँ सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं। ठंड में एक वजह होती है फॉग की, यानी कि कोहरा छाता है, और ऐसे में विजिबिलिटी कम होती है, ऐसे में सड़क हादसे अमूमन देखे जाते हैं। और बरसात में यही स्थिति बन जाती है कि बारिश की वजह से बाइक को चलना और पानी भरने की वजह से रोड जो लोग हैं वो जोखिम भरे कदम उठाते हैं निकलने के लिए सड़कों से, सड़कों पर गड्ढे होते हैं जिसकी वजह से किसी तरीके के हादसे हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़े कारण है। भोपाल की ही बात की जाए तो पिछले एक साल के अंदर करीब 1200 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये पुलिस का आधिकारिक आंकड़ा है, जिससे ये स्पष्ट है कि भोपाल में ही अगर 1200 लोगों से अधिक की मौत सड़क हादसे में होती है तो प्रदेश भर का आकलन किया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट से लोगों की मौत हो रही है। और ना सिर्फ लोगों की मौत की एक बड़ी वजह ये दोनों कारण है, बल्कि जो सड़क की गुणवत्ता है उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि कई बार जो लोग हैं वो सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं लेकिन सड़क पे गड्ढे होना, और जो हाईवे है वहाँ पे जो ट्रैफिक मैनुअल के हिसाब से जो गाइडेंस होना चाहिए वो नहीं रहते हैं, जिससे हादसे देखे जाते हैं। एक जो दूसरी एक वजह है कि लोगों की लापरवाही, तेज रफ्तार, यदि कहीं पे टर्न है और वहाँ पे जो स्पीड की गाइड है वो 30 से 40 किलोमीटर है तो वहाँ पर रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कई बार ओवरटेक करने की वजह से हादसे हुए हैं, और यही वजह है कि हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार हालांकि
कई पहलुओं पे काम कर रही है, सड़क की गुणवत्ता हो या फिर लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन कराया जाए, स्कूल कॉलेज और ये तमाम ऐसे जो जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है वहाँ पे ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी हादसे कम नहीं हो तो लोगों की एक सबसे बड़ी ये वजह है कि लोग जागरूक कम है या जागरूक होने के बाद उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। यदि 100% लोग इन नियमों का पालन करें तो ही एक्सीडेंट और ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है, ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर 60% लोग भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं और बाकी के 40% लोग पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो लोग पालन कर रहे हैं उनके लिए भी ये परेशानी है कि यदि जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का वो भी दूसरे लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं जो नियमित रूप से ट्रैफिक के जो गाइडेंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक 100% लोग यानी कि 100% लोग नियमों को ध्यान में रख के गाड़ी नहीं चलाएंगे, ड्राइविंग नहीं करेंगे, तो ऐसे में दुर्घटना लगातार होती ही रहेगी। बिल्कुल विवेक, नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। तो बता दें रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बनाए जाते हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं जिसके चलते दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और लगातार हम देखें अगर 1989 के बाद से लगातार सड़कों में हादसे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये हादसे बढ़ क्यों रहे। कई तरह के रीजन सामने आते हैं, चाहे कोहरे की बात की जाए या फिर लापरवाही लोग बरतते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते हैं, और इसके साथ ही जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी वजह से भी कई बार हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे इतने समझ नहीं होती है बच्चों को और इसकी वजह से सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं उत्तराखंड का, जैसे देहरादून से संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आखिर क्या कुछ वजह है उत्तराखंड में जो सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं? देखिए, सड़क हादसों का जो दिनों दिन ये ग्राफ बढ़ रहा है इसके पीछे कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो सड़क हादसे जो हो रहे हैं इनका ग्राफ बढ़ रहा है। यात्रा सीजन में देखिए, एक तो जो पूरी तरह से प्रशिक्षित लोग नहीं होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में जब वाहन चलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह ये भी है। दूसरा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित की थी और उस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको समय समय पर मीटिंग कर मॉनिटरिंग कर दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में नियमों का शासन स्तर पर कागजों में तो पालन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस कड़ाई से नियम सड़क पर लागू होने चाहिए वो उसमें शायद कुछ कमी रह रही है। यही वजह है कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरा, एक नहीं अनेकों कारण ऐसे हैं। देखिए, जागरूकता उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है जिस अनुपात में जागरूकता को बढ़ना था। इसमें जितना जिम्मेदार सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक अमला है, उतना ही जिम्मेदार सड़क हादसों के बढ़ने में एक आम इंसान भी है। क्योंकि देखिए, जब हम ड्रिंक करके हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, या फिर बरसात के समय में या फिर सर्दियों के समय में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो निश्चित तौर पर हादसे होते हैं, और जब हादसे होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जान जाएगी, लोग चोटिल होंगे। तो ऐसे में इसके ग्राफ को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें उतना रंग नहीं ला पा रही है जितना की होना चाहिए। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से कोशिश तो की जा रही है, बावजूद इसके जो सड़क दुर्घटनाएं उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन सोनू एक सवाल ये भी उठता है, कई बार सड़कें खराब होती हैं जिसके चलते लोग सावधानी तो बरतते हैं बावजूद इसके दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, इसके साथ साथ सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है? देखिए, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड के जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के मार्ग हो या जिला स्तर के जो मार्ग हैं या इनसे जुड़े हुए जो पहुंच मार्ग है, इन सब पर ही जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित करने के बाद, खास तौर पर जो राजमार्ग हैं उन पर चिन्हित करने के बाद उस समस्या का समाधान कर लिया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई दौर की बैठकें की और अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। और ऐसा नहीं हम कह सकते कि इस पर कार्य नहीं हुआ, काम भी हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर यही सवाल खड़ा हो जाता है कि जो हादसे हो रहे हैं उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता और खास तौर पर सरकारी सिस्टम जो है उसकी जो जिम्मेदारी है वो, और इसके साथ साथ समय समय पर मॉनिटरिंग होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जब तक हम इसमें कड़ाई नहीं बरतेंगे, जब तक जन जागरूकता का ग्राफ नहीं बढ़ेगा, मॉनिटरिंग करना बेहद आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें उत्तराखंड में भी
लगातार जो सड़क हादसे हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों की तो लापरवाही सामने आती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन तंत्र है उसको भी मजबूत होने की जरूरत है, मॉनिटरिंग करने की बेहद जरूरत है कि आखिर सड़क हादसे हैं जो वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर मंथन करने का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि CM धामी कई बार बैठके ले चुके हैं, बावजूद इसके जो अधिकारियों को निर्देश दिए उसके बावजूद भी सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते उत्तराखंड में जो है सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। कई तरह के जो रीजंस होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार को भी ठहराया जाता है। चलिए ब्रुक करते छत्तीसगढ़ से रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं? सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, देश भर की अगर बात की जाए देश भर में हर साल लाखों लोग इस सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है और ये पूरे देश भर में मनाया जाएगा। पूरा जनवरी का महीना जो है वो यातायात सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अगर हम बात करें तो ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ब्लैक स्पॉट है जहां पर आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसको लेकर के प्रशासन ने चिन्हांकित किया है। लेकिन एक बड़ी वजह यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो लापरवाही सबसे बड़ी होती है। स्पीड बाइकर्स की अगर हम बात करें या हम क्या बोलते हैं नशे की हालत में बाइक चलाने की बात करें, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी हुआ है और राजधानी रायपुर में इस मामले को लेकर के प्रशासन ने सख्ती बरतती है और इस मामले में हजारों लोगों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही जो है FIR दर्ज की गई है, लाइसेंस निरस्त करने के। बिल्कुल नदीम, लगातार हम देख रहे हैं सरकारों की ओर से लगातार काफी स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है, नियमों के पालन को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट बरती जा रही है, चालानी कार्रवाई होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर काफी सख्त रहती है प्रशासन। लेकिन अगर बात की जाए इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की, तो हर बार एक थीम के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है, इस बार क्या कुछ थीम रखा गया है? देखिए, अगर अब इस बार की बात करें तो यातायात सप्ताह में जो है वो हेलमेट को लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य यहाँ पर जो है वो रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट पहने, दुर्घटना से बचे। लापरवाही जो की जाती है उस लापरवाही से लोगों को जागरूक करना, हेलमेट के प्रति जागरूक करना, ड्राइव सही मामले में हो, नियम के जो है नियमता जो है वो ड्राइव करे, इस मामले में पुलिस प्रशासन इस बार यातायात सप्ताह मना रहा है। आज राजधानी में भी जो है SSP ने जो है वो हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया ताकि लोग जागरूक हो, हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट अगर लोग पहनने लगेंगे तो सबसे ज्यादा जो दुर्घटना के मामले आंकड़े बताते हैं कि 75% जो है मामले दुर्घटना के जो होते हैं वो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से मौतों के मामले सामने आते हैं, क्योंकि छोटी सी भी अगर दुर्घटना हो जाती है अगर वो हेलमेट पहना होता तो उससे बचा जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हेलमेट नहीं पहनने की वजह से ये दुर्घटना जो है वो घटी है और यह बड़ा आंकड़ा इसके सामने मौतों का मामला हमारे सामने रहा है। तो हम भी अनादि न्यूज के जरिए लोगों से अपील करेंगे कि यातायात नियम का पालन करें, हेलमेट पहने, क्योंकि एक जागरूक नागरिक। बिल्कुल नदीम, अनादि टीवी के माध्यम से हम लोगों को अपील करेंगे कि आप नियमों का पालन करें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप खुद का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए सड़क दुर्घटनाएं जो बढ़ती हो कहीं ना कहीं हमारी खुद की लापरवाही से बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी की। तो बता दें हेलमेट पहने, जो नियम बनाए जाते हैं प्रशासन की ओर से उसका सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी होता है, उसको ध्यान में रखिए। जब आप कार चलाते हैं, कार में साइड पर भी बैठते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, इसके चलते कई से जो है वो टल जाते हैं, चाहे हम अगर साइड से रोड टर्न लेते हैं तो तब भी इंडिकेटर का ध्यान रखें, इंडिकेटर दीजिए, अगर हम स्पीड में निकलते हैं या ओवरटेक करते तब भी हॉर्न बजाइए। तमाम तरह के जो नियम सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से लागू किए जाते हैं अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। चलिए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ अमरिंद प्रताप सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमरिंद, आखिर क्या कुछ वजह है जो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए पूरे, तो क्या कुछ वजह है जो दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है? अमृता जी, देखिए उत्तर प्रदेश को थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, और ऐसे में हमें समझना होगा कि जब देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज्यादा फुटफॉल भी यही है, जनता यहाँ सड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा चलती है। पिछले कुछ वर्षों में जैसा कि देखने में आया है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से सड़कें जो है, रोड जो है वो हाई स्पीड हो गई है,
और ऐसे में जब कोहरा होता है या ठंडी होती है, जब सड़कों पर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है अमृता जी, तो जिन सड़कों पर ज्यादा संख्या में लोग चलते हैं वहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती ही है। और उत्तर प्रदेश का मामला कुछ ऐसे है, हालांकि उत्तर प्रदेश में 7 जो है एक्सप्रेस वे लगभग बनकर चलने के लिए तैयार है, जिसमें 3 एक्सप्रेस वे खोल दिए गए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। कोहरे की वजह से सड़कों पर ज्यादा संख्या में गाड़ियों के चलने की वजह से और सड़कों के हाई स्पीड होने की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इस प्रयास में है अमृता जी कि इन हादसों को रोकने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी के तहत जो है हादसे रोके जाए, हादसे न हो, कम से कम हादसे हो, इसका सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि कम से कम हादसे हो और इन हादसों को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है अमृता जी, और सरकार इन प्रयासों को अपने स्तर पर पूरी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए भी लगभग कटिबद्ध दिखाई पड़ रही है, पर अगर ऐसा होता है तो उसको अच्छा कदम माना जाएगा। बिल्कुल अमरिंद्र, लगातार हम देखते हैं किस तरह से सड़क दुर्घटनाएं जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, चाहे बारिश की बात की जाए या गर्मियों की बात की जाए, सड़क दुर्घटनाएं थमती नहीं है। लेकिन अगर अभी फिलहाल की बात की जाए, जिस तरह से प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सुबह कोहरे के वक्त और शाम के बाद आप घरों से बाहर ना निकले, ड्राइव ना करें, कोहरा ज्यादा रहता है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, सर प्रशासन तो लगातार अलर्ट कर रही है, नियम बना रही है, लेकिन लोग इसे कितना फॉलो करें, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अमृता जी, देखिए उत्तर प्रदेश, मैंने जैसा पहले कहा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जगह है। यहाँ की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नीत सरकार जो है वो लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो इसके लिए पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है, लगातार परीक्षण कराकर कि कहाँ पर कौन सी दुर्घटनाएं करती है। जैसे पिछले कुछ दिनों में ट्रैक्टर ट्राली को लेकर कुछ दुर्घटनाएं हुई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्तर से निर्देश जारी किए कि ट्रैक्टर ट्राली, क्योंकि कृषि प्रयोग के लिए वाहन होता है और ट्रैक्टर ट्राली जो कि कृषि के लिए है उसका उपयोग केवल कृषि में किया जाए, लोगों को आवागमन के लिए ले जाने का काम ट्राली और ट्रैक्टर में न किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए। और उसके बाद ट्रैक्टर ट्राली की वजह से होने वाली कई दुर्घटनाएं जो थी सामने लगातार आई थी, उसके बाद जब निर्देश जारी हुए तब से ट्रैक्टर ट्राली को लेकर के कोई दुर्घटना नहीं सामने फिलहाल नहीं आती दिख रही है। ऐसे में लगातार परीक्षण करा करके अमृता जी कि दुर्घटनाएं किस वजह से हो रही है उन पर पॉलिसी बनाई जा रही है, उन पर नियम बनाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर से मॉनिटरिंग करते हैं इन चीजों की कि सड़क सुरक्षा एक बहुत आवश्यक चीज है। लोगों को सड़क पर निकलना जरूर मजबूरी है लेकिन लोग सुरक्षित रहे और सड़कों पर उनकी जान न जाए इसके लिए सरकार के स्तर से जो भी कदम उठाना जरूरी है उसके लिए लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है यदि इंप्लीमेंटेशन ठीक से होता है तो आने वाले समय पर इसका फायदा प्रदेश की जनता को सुरक्षित सड़कों पर चलने के लिए मिल सकता है। मतलब चलिए अमरिंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बताते हैं उत्तर प्रदेश में कि पॉलिसी तैयार की जा रही है सरकार की ओर से ताकि जो दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं सड़क को लेकर उसमें कमी देखी जाए। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि हम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और लगातार जो प्रशासन के द्वारा सरकार की तरफ से जो नियम बनाए जाते हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि कई तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा जो लापरवाही होती है वो हमारी खुद की होती है। चलिए अब जाने का प्रयास करेंगे जबलपुर से, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में दुर्घटनाओं में कितनी बढ़ोतरी देखी जा रही है और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती जा रही हैं? मनीष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिलहाल हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही संवाददाता के पास है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है सरकार के लिए भी और हमारे लिए खुद के लिए भी, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल मनाया जाता है 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में और प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जाती है, थीम के बेस पर भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, स्कूलों में भी बच्चों को समझाया जाता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है और उसके बाद सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, गाड़ी लेकर चले जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स भी होते हैं, तो सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है और जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों पेरेंट्स उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति ना दें वो ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से मनीष संवाददाता एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिर क्या कुछ वजह है जिसके चलते जबलपुर में लगातार सड़क की दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल अमृता जी, मैं बता दूं कि दुर्घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं तो उसके कई कारण हैं, एक कारण तो नहीं हो सकते कि जैसे आजकल नशाखोरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है
और अच्छी सड़कें या खराब सड़कें भी दुर्घटना का कभी कभी कारण बनते हैं, और नियमों का पालन न करना, हेलमेट न लगाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो हम देख रहे हैं। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, रॉन्ग साइड से लोग कहीं भी मतलब घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सड़क हादसे जो है अगर बढ़ रहे हैं तो उनमें लोगों की लापरवाही सबसे बड़ा एक कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर नियम का लोग नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं को जो है वो रोका जा सकता है, सड़क हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लोग नियमों को ताक पे रख के कहीं से भी घुस जाना, कहीं से भी बड़े बड़े वाहनों को ले जाना, जहां जगह नहीं है वहां पर भी बड़े वाहन लेकर चले जाना, तो कहीं ना कहीं लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब हालांकि प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है, हेलमेट को लेकर लोगों को सचेत किया जाता है, यातायात नियमों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता जो है वो लोग जानते हुए भी अनदेखी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग नियम कानून सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं इसमें दोषी हम हैं। अगर हमें नियमों का पालन करेंगे और अगर तो उसमें कहीं ना कहीं सड़क हादसे जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तेज स्पीड तेज रफ्तार हम देखते हैं ज्यादातर हादसों का जो मुख्य कारण हम बिल्कुल देख रहे हैं। मनीष, कई बार हम ये भी देखते हैं कि कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, बावजूद उसके गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, प्रशासन तो नियम तय करती है, नियम बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही होती है जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं होती जिसके चलते आप भले कितना भी सतर्कता बरतें उसके बावजूद भी सड़क दुर्घटनाएं से हम नहीं बच पाते हैं। लेकिन जिस तरह से देश भर में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर इस पर सही समय पर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में काफी खतरनाक परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। लेकिन लगातार आज सड़क सुरक्षा सप्ताह जिस तरह से मनाया जा रहा है, 7 दिनों तक मनाया जाएगा, उसी के तहत अनादि टीवी के द्वारा हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप नियमों का पालन करें, अपने कम उम्र के बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति ना दें, अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।